हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्जी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको आज इस अपने चैनल पर बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एसएससी एनटीपीसी। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी मैं बात करूँगा एसएससी एनटीपीसी समेत सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में होने वाली सभी प्रकार के रोग। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में होने वाले सभी प्रकार के रोग। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात किया हूँ, पार्ट 1। ये मेरा वीडियो है। मैं इसको जो है दो दो वीडियो इसको बनाऊंगा। इसके जो है मनुष्य में जो भी रोग हैं उसके क्या है रोग, आइए मैं पूरी डिटेल में आपको दिखाता हूँ। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, पूरा डिटेल बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आइए मैं पूरी बात आपको दिखाता हूँ क्या है। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको क्या होता है, कैसे ही इंसान के अंदर कौन कौन सा रोग होता है सब बताएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो आइए सीधे सीधे टॉपिक पे लेकर चलते गाइज। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जैसा कि लिखा है, सीधे सीधे क्या लिखा है, रोग। जी हाँ दोस्तों, रोग का मतलब सीधे सीधे व्यवधान, बॉडी में हमारे जो व्यवधान हो जाए, कोई फंक्शन कार्य कर रहा है उसमें रुकावट आ जाए तो उसी को कहते हैं रोग, जिसको व्याधि भी कहते हैं। शब्द का मूल शब्द, जी हाँ, मूल अर्थ होता है बाधा। बाधा मतलब रुकावट, जिसका अर्थ है रुकावट, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही, जी हाँ दोस्तों, रोग है। दूसरे शब्दों में शरीर में विकार होना ही रोग है, डिजीज। डिजीज जैसा कि दो शब्दों से मिला है, डाइफेरिस, अर्थात असहज महसूस करना, मतलब स्वस्थ होना तो हाई आदमी अपने को क्या करेगा, हेल्दी महसूस करेगा, लेकिन असहज जब कोई लगता है कि उसको प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो असहज महसूस करना, कंफर्ट नहीं महसूस करता। रोग के प्रकार, आइए मैं रोग के प्रकार बताता हूँ। रोग को उनकी प्रकृति और कारणों, जी हाँ दोस्तों, तदा कारणों के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया गया। मैं पूरी बात इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बस आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। क्या होता है रोग, कैसे इससे हमें छुटकारा पाना है, रोग भी बताएंगे, रोग क्या होता है उसके उपचार को भी बताएंगे, और उसके जो है परहेज को भी बताएंगे। तो कहने का मतलब, जन्मजात दो तरीके का रोग होता है। एक जन्मजात होता है कंजेंशियल डिजीज, जो जन्म से बच्चा पैदा होता है तो वो उसको विरासत में मिलती है, माँ बाप के अवगुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब, ऐसे रोग अगर आ जाए बच्चों में, वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपापचयी या तथा विकासीय अनियमितताओं के कारण होते हैं। उपापचयी जैसे कोई फंक्शन आपके बॉडी में है, जैसे मैं बताया कि माता पिता में अगर वो उपापचयी अवगुण है तो बच्चों में आ जाएगा। विकासीय अनियमितता, सारी बात मैं बताऊंगा क्या है, क्यों जो है जन्मजात रोग बच्चों में आ जाता है, और एक उपार्जित दूसरी बात है। तो दूसरा है आपका उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या, एक्वायर्ड डिजीज, वे रोग जो जन्म के पश्चात, जी हाँ दोस्तों, जो जन्म के पश्चात, वे रोग जो जन्म के पश्चात, यहाँ से आपको दिखा दें, वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, उपार्जित रोग। उपार्जित का मतलब ऊपर से जो अर्जित हो या ऊपर से जो हमारे अंदर बॉडी में हो, ऐसे रोग को हम उपार्जित। ये कितने दो प्रकार के होते हैं, ये क्या है, आइए इसको बताते हैं। यहाँ से आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक है आपका जो उपार्जित रोग है, एक है इसमें आपका संक्रामक रोग या संसर्गी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्टियस डिजीज। ये संक्रामक का मतलब जो संक्रमित होता है, जैसे इस समय कोरोना वायरस क्या है, एक संक्रामक की ही बीमारी है, एक दूसरे के टच करने से। कम्युनिकेबल का मतलब चलनी हो, जो संक्रमित करने योग्य, जो एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने योग्य हो, इंसान के थ्रू या किसी के थ्रू, लेकिन ऐसे रोग क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं। यह हानिकारक सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होता है, उदाहरण में जीवाणु, विषाणु। ये वायरस का मतलब विषाणु तो है, कवक एवं प्रोटोजोआ रोग कारक जीव का संचारण, वायु, जल, भोजन, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा, यही है शारीरिक संपर्क कोरोना वायरस में, के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, इसलिए इसे संचरणी संक्रामक रोग कहते हैं, या संक्रामक रोग का संचरणी, जो चलनी योग्य हो, चलने योग्य हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। अब बात करें असंक्रामक, ये ऐसा रोग है जिसमें
ये मूवेबल नहीं है, ये चलता नहीं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जो रोग संक्रमित व्यक्ति रोगी में स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता है उन्हें असंचरणी अथवा असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग आदि। अगर किसी एक को मधुमेह है तो हमें नहीं हो सकता, अगर किसी एक के पेन जो है ज्वाइंट पेन है तो हमें नहीं हो सकता, उसी की प्रॉब्लम है। कैंसर किसी एक बंदे को है तो दूसरे को नहीं होता, कैंसर अलग अलग है। ये बात है, किसी के बोन कैंसर, किसी ब्लड कैंसर, किसी को फीवर, किसी को जो है तुम्हारा ब्रेन कैंसर, तो इस तरीके से अलग अलग कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, तो सबको नहीं हो सकता। तो ये क्या है, असंक्रामक रोग है, ये चलने योग्य नहीं, सबका एक अपना पर्टिकुलर डिजीज है। असंक्रामक रोग निम्न रोग होते हैं या कहें निम्न प्रकार के होते हैं, ये क्या है आपको इसको भी दिखाते चलते। एक होता है हरासिस रोग, डिजनरेटिव डिजीज, यह विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है, जैसे हृदय रोग। तो कहने का मतलब ये हरासित रोग, हरासित का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हृदय रोग, किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या है, असंक्रमित है और इसके जो है कई टाइप है। दूसरा है हीनताजन्य रोग, इसमें क्या है, डिफिशियंसी डिजीज, यह विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होता है, जैसे रिकेट्स। रिकेट्स को आपको बता दें हिंदी में कहते हैं सुखवा रोग, जिसको सुखवा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। मरामस, पेलाग्रा आदि, ऐसे रोग को हम कहते हैं हीनताजन्य रोग। डिफिशियंसी आपकी क्या होती है, इम्यूनिटी पावर डिक्रीज हो जाती है। अगर थर्ड की बात करें तो प्रत्युजरता, जिसको एलर्जी कहते हैं इंग्लिश में, इसकी हिंदी दोस्तों आप जान लीजिए, ये एग्जाम में अगर प्रत्युजरता करके दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको एलर्जी कहते हैं। या किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील के कारण होता है, जैसे जैसे किसी को इन्वायरमेंटल एलर्जी है, किसी को ठंडे पानी से एलर्जी है, तो एक कोई अति संवेदनशील पदार्थ से इसमें एलर्जी होती है। कैंसर की बात करें, यह रोग अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है, कहीं भी किसी भी ऊतक में या किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर कोई ऊतक में वृद्धि के कारण वृद्धि होती चली जाती है, अनियमित, जिसकी जरूरत ना हो, तो वहाँ पे कैंसर का जो है, कैंसर का फॉर्म हो जाता है, वो बॉडी कैंसराइज या कहें कि कैंसर से पीड़ित हो जाती है। बाद में अगर लीवर है तो लीवर खराब हो जाता है, ब्रेन है तो ब्रेन खराब हो जाता है, किडनी है तो किडनी खराब हो जाता है। तो इस तरीके से सारे जो है बीमारियां, सारे अंगों में बीमारियां हो जाती है, कैंसर। एक होता है इसमें जेनेटिक, जी हाँ दोस्तों, जेनेटिक डिजीज, ये है आपका आनुवंशिक रोग, यह आनुवंशिक कारकों के कारण होता है, जैसे वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और हीमोफीलिया, ये दोनों जो है आपके आनुवंशिक रोग हैं। अब बात करें, एक जन्मजात रोग होता है, जैसा कि हमने ऊपर ही बात किया था। तो कंजेंशियल डिजीज क्या होते हैं उसकी बात करते हैं, जन्मजात रोग। इन रोगों का आक्रमण गर्भावस्था के दौरान ही होता है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तभी से उसमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इतना छोटा होता है कि वो प्रॉब्लम दिखता नहीं। ओठ का कटना, हेयर लिप्स, विदीर्ण ताल, क्लेफ्ट पैलेट, और पाँव का फिरा होना, जिसको क्लब फुट कहते हैं, आदि जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। जन्मजात रोग निषेचित अंडाणु की गुणसूत्री संरचना में कमी या गर्भावस्था स्थित शिशु पर आघात पहुंचने के कारण होता है। इसीलिए अगर माँ प्रेग्नेंट है तो लोग कहते हैं उसको संभाल के रखो, उसमें जो है बच्चे पे चोट ना आए, मतलब कहीं ना कहीं इसके बॉडी पर अगर चोट आएगी तो बच्चों में भी कमी हो सकती है, इसीलिए कहते हैं उसको आघात ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, के कारण भी होता है। गुणसूत्रों में असंतुलन के कारण होता है, इसको मंगलोलिज्म, हृदय विकृति के कारण, नील शिशु का जनन, तंत्रिका एवं असामान्यता के कारण, स्थानीय अरांग, जी हाँ दोस्तों, अंधरांगता आदि जन्मजात रोग होते हैं। क्योंकि अभी मैं बताया कि अंधरांगता मतलब का वही का कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सब क्या है आपके आनुवंशिक या कहें जन्मजात रोग हैं। आइए मैं और अगर बात करें तो यहाँ पे और आपको डिटेल में दिखाते हैं, एक एक रोग क्या है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रमुख मानव रोग, लक्षण एवं उपचार। बैक्टीरिया जनित रोग क्या है, बैक्टीरियल डिजीज क्या होते हैं। पहला, इसमें बैक्टीरियल डिजीज अगर बात करें तो टाइफाइड, टाइफाइड जिसे आंत्र जर कहते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह सालमोनेला
टाइफोसा, जी हाँ दोस्तों, नामक विषाणु से होता है। इसे आंत्र बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी, जी हाँ दोस्तों, से फैलता है। रोगी की प्लीहा, स्प्लीन और आंत्र योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द बना रहता है। आइए मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, कैसे होता है ये रोग। आपको यहाँ से बता दें, आपको SSC NTPC में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंत रोग, जी हाँ दोस्तों, आंत रोग या कहें टाइफाइड किस वायरस से होता है, तो आप ये नाम लेंगे, साल्मोनेला टाइफोसा वायरस से होता है। ये कौन सा डिजीज है, वायरस है या प्रोटोजोआ है या बैक्टीरियल? तो आप कहेंगे इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज होता है। क्या है, मैं उसको आपको फिगर दिखाता हूँ। तो गाइज आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, आपको इसका फिगर दिखाते हैं क्या है इसकी प्रॉब्लम। आइए ये आप देखिए, ये रहा आपका फिगर, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप, यही आपका था साल्मोनेला टाइफाई, यही इसी को तो, यही तो वायरस था। ये रहा पूरी तरीके से वायरस का फीवर। ये पानी की कमी में होता है, या पानी, गंदगी पानी जाती है जब हमारे स्प्लीन प्लीहा में, तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये इसके वायरस हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये रहा आपका इनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, इसमें जो है इनलार्ज, ये डिजीज़ इसमें प्रॉब्लम होती है। ये संख्या अपनी आकार में बढ़ जाते हैं और उस बॉडी में प्रॉब्लम करते हैं। रैश ऑन बॉडी, आपके बॉडी पे ऐसे जो है छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, अल्सर इन इंटेस्टाइन, अगर आपके बॉडी में अल्सर होता है तो किस तरीके से दिखता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी आंत में आपको अल्सर दिखाया हुआ है। तो ये था टाइफाई का जो फिगर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाइट कोडिंग ऑन द टंग्स। तो डॉक्टर लोग जो कहते हैं मुंह आप खोल के अपना टंग्स दिखाइए, जीभ दिखाइए, तो वहाँ पे वो यही देखते हैं क्या वाइट हो गया क्या आपकी टंग्स में। अगर वाइट हो जाता है तो सीधे सीधे आपको टाइफाइड हुआ है। आप यहाँ से और चीज़ें देख पा रहे होंगे, फीवर, रैस, फीवर है, रैस बॉडी पे हो जाता है, हेडेक प्रॉब्लम होती है, आइस पेन होता है, मसल्स एचक होता है आपको, अब जॉइंट पेन होने लगता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है कब, जब टाइफाइड फीवर एंड लीवर, कहने का मतलब जब लीवर में आपके, यहाँ से आप देख रहे होंगे इसका कि लीवर में प्रॉब्लम किए हुए हैं ये वायरस, किस तरीके से ये कितने खतरनाक होते हैं, कितनी बारीकियाँ से आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें आप देखिए। तो ये क्या है आपके लिए, कितना जो है हार्मफुल है। ये रहा पूरी तरीके से टाइफाइड का साल्मोना, ये वायरस है कितने खतरनाक है। इतने दिखने में तो छोटे हैं लेकिन इतनी बड़ी बॉडी को हिला के रख देते हैं दोस्तों। तो ये कहने का मतलब आपको कुछ था इसका फिगर डायग्राम, आप और समझ गए होंगे कि ये वाकई कितने खतरनाक होते हैं। तो आइए मैं सीधे सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक ये रहा, अब इसके उपचार की बात करें। जैसा कि हमने कहा, रोगी को तेज बुखार होता है, सिर दर्द बना रहता है। रोगी व्यक्ति को मलमूत्र निवास स्थान से दूर कराना चाहिए ताकि वो दूसरे को इन्फेक्ट ना करे या गंदगी, क्योंकि मक्खियाँ उस पर बैठेंगी तो आएंगी हमारे खाने पे बैठेंगी तो हमको भी हो जाएगा। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरामाइसिटिन औषधि का उपयोग करना चाहिए या किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी में, तो सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है तो उसे कौन सी जो है वैक्सीन या गोली दी जाए। तो वहाँ एक क्लोरोमाइसिटिन जो है एक औषधि का नाम रहेगा, आप अगर जानते रहेंगे तभी बताएंगे। बहुत सारे एग्जाम में गाइस ये पूछा भी गया है कि टाइफाइड में कौन सा जो है चिकित्सी या फिर कौन सी औषधि दी जाती है, तो आप सीधे सीधे ये वहाँ पे मिल रहेगा, आप कह देंगे कि यही दिया जाएगा, अर्थात क्लोरोमाइसिटिन। अब बात करते हैं तपेदी क्या है या राज यक्ष्मा, जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है, आइए मैं इसको पूरा बताता हूँ। यहाँ से दोस्तों आप देख रहे होंगे तपेदिक राज यक्ष्मा, ट्रूबोक्लोसिस, इसी को हम दोस्तों कहते हैं टीबी। जी हाँ दोस्तों, यही रोग है टीबी, इसी को हम टीबी कहते हैं। आइए मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में दिखाता हूँ। इस रोग को यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। ये एक समय ऐसा था कि इसका कोई इलाज नहीं था, इस टीबी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज इलाज बन गया, आज दवाइयाँ हैं। इसको भी एक तरीके से कैंसर ही पहले समझा जाता था, लेकिन अब इसका इलाज हो चुका है। इस रोग को यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। यह संक्रामक, एक संक्रामक रोग है जो माइको बैक्टीरियम ट्यूबोकुलोसिस
नामक विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ये जीवाणु है, सॉरी दोस्तों, ट्रूबोक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्रूबोक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसका इंग्लिश है बैक्टीरिया। इस रोग में जीवाणु मुख से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होता है। जैसे कि कोई अगर इंसान के अंदर है, वो अपने बच्चे को चूम लिया या अपनी वाइफ को चूम लिया, तो कहीं ना कहीं वो उसके बॉडी या उसके बच्चे में भी अवतरित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये किस तरीके का है रोग आपको पता चल गया। इस रोग के लक्षण है ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। ये ट्यूबरकुलोसिस के जो है दोस्तों क्या है, लक्षण है। आपको अगर ऐसा दिखे तो आप अपना इलाज कराइए। इसमें बलगम का टेस्ट होता है, वहाँ से तपेदिक का जाके पता चलता है कि आपके अंदर टीबी है। उपचार इसके क्या है आपको बता दें इसी वक्त, फिर इसके फिगर डायग्राम से मैं कुछ समझाऊंगा। इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, PAS, जी हाँ दोस्तों PAS, तथा आइसोनी या जाइड मुख से ली जाती है। BCG, BCG का जो दोस्तों यहाँ पे कहें कि टीका लगता है, एक प्रतियक्षीय टीका है। विलिसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है, जिसका नाम है विलिसिन। और यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि ट्रूबोक्लिसिस किस वायरस से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्रूबोक्लिसिस वायरस से होता है। ये जीवाणु है, ये जीवाणु है या वायरस है, कहने मतलब ये जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है या फिर प्रोटोजोआ से होता है या कवक, तो आप सीधे सीधे कहेंगे ये जीवाणु से होता है। दूसरा क्वेश्चन बना, फिर इसके उपचार के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो विल्सिन इसकी सबसे दवा है। BCG किसके जो है, BCG टीका जो लगता है किस किस रोग के लिए लगता है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे टीबी। तो यहाँ से चार क्वेश्चन आपके लिए बन गए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए मैं कुछ इसके फिगर से दिखाता हूँ कि कैसे ये अटैक करता है। ये पूरी तरीके से अगर बात करें तो बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये ज़्यादातर अटैकिंग करता है लंग्स पे, फेफड़े पे ये ज़्यादा अटैक करता है। फेफड़े को जो है, फेफड़े में ये समझिए जैसे किसी लोहे पे जंग लगता है, वैसे ये बॉडी के फेफड़े पे जंग जैसे लगता है। यहाँ छोटा सा स्पॉट आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा स्पॉट है, उसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये वायरस है, पूरी तरीके से इसको जो है छनित कर देते हैं और ये पूरी तरीके से आप में ऑक्सीजन जाने के लिए अवरुद्ध कर देता है। और आप धीरे 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 आपकी बॉडी डिक्रीज होती चली जाती है और आप एक समय अंतर्गत्व को प्राप्त हो जाते हैं। आप देखिए उसकी साइज़ बढ़ गई धीरे धीरे, ये वायरस अपनी बॉडी, ये पूरे बॉडी में फैलने लगते हैं। कहने का मतलब ये इस पर पूरा अटैक कर देते हैं, लंग्स पे आपको पूरी तरीके से चाल देते हैं, हड्डियाँ खा जाते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो पहले एक समय था इसका वायरस नहीं था, बहुत लोग मरते थे, 4-4 लाख, 6-6 लाख लोग मरते थे, लेकिन अब इसके जो है दवाइयाँ बन गई हैं, इसको जो है इससे भी लोग निजात पा गए हैं। टीबी मुक्त भारत दोस्तों हो ही चुका है, क्योंकि अब टीबी के उतने पेशेंट नहीं रह गए भारत में। लेकिन ये रोग, ये विषाणु, ये जीवाणु, ये जाने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं एक इधर उधर कहीं ना कहीं मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे जो भी पॉइंट देखते हैं जिसके बॉडी में, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहुँच के अपना जो है दिनचर्या स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ उसकी बॉडी को डिक्रीज करते हैं। आइए मैं अब बात करता हूँ थर्ड क्या है दोस्तों। थर्ड आपको दिखा दें दोस्तों, तपेदिक को मैं बता ही दिया आपको। अब है यहाँ पे प्लेग। प्लेग क्या है, प्लेग एक महामारी थी दोस्तों, एक समय था प्लेग बहुत ज़्यादा फैलता था। ये है, यह एक छुआछूत की बीमारी है जो वेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होती है या फैलती है। इसका संक्रामक चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, उस पर छोटे छोटे कहीं कीड़े होते हैं, उसी को पिस्सू कहते हैं, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। जेनोलप्सा, जी हाँ दोस्तों जेनोलप्सा, जेनोफ्सला ये क्या है, उसका जीवाणु है, उसके द्वारा जो है ये फैलता है। उसका पूरा नाम था जेनोप्सलप्सा केओपिस, जी हाँ दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसका अटपटा नाम है। प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है, क्योंकि यह आसानी से चूहों से मानव तक पहुँच जाता है। प्लेग तीन प्रकार के होते हैं, तीनों क्या है दिखाते हैं आपको दोस्तों, फिगर से भी आपको समझाएंगे। यहाँ है गिल्टी वाले प्लेग में तेजी से जांघ, कांख,
तथा गर्दन की ग्रंथियों में सूजन होता है, पूरी तरीके से बॉडी पे अटैक करता है। निमोनिक प्लेग, दूसरा है निमोनिक प्लेग, रोगी को खांसी, छींक और थूक के माध्यम से फैलता है। सेप्टिसिमिक प्लेग में जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, ये बहुत घातक साबित हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि जैसे ये आ गया हमारे बॉडी के रक्त में, ब्लड में, जब ब्लड में आ गया तो फिर कहानी बहुत लंबी ही निकल जाएगी, वहाँ से किसी भी रोगी को बचा पाना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। उपचार क्या है? सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग किया जाता है उपचार के लिए। और आपको बता दें, इसके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम चूहों को निवास स्थान से दूर रखने का प्रयास किया जाता है, या अपने को वहाँ से हटा लिया जाए या चूहों को वहाँ से हटा दिया जाए। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हैजा, उससे पहले हम प्लेग के कुछ फिगर डायग्राम से आपको बताना या दिखाना चाहते हैं। आइए गाइस, दिखाते हैं क्या है फिगर। यहाँ से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी तक हमने टीबी को बताया, अभी तक हमने टाइफाइड को दिखाया, अब आपको बताते हैं प्लेग क्या है, प्लेग कितना खतरनाक है। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है प्लेग का पेशेंट। अब इसको आप देखते रहिए कितना खतरनाक है। इसके बॉडी पे देख रहे हैं, ये इसको बिल्ली के काटने से हो गया है, तो बिल्ली में जैसे कालापन आ जाता है, इसके देख रहे हैं बॉडी पे कालापन आ गया। ये पूरी तरीके से हेल्दी बॉडी को भी 2 मिनट में निगल लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा वार्ड द बल्बोनिक प्लेग, क्या है उसके बारे में डिटेल आपको दिखाया मैं अभी। मैन गेट्स द प्लेग फ्रॉम, मैन जो है गेट्स मतलब प्लेग से पीड़ित है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये किस तरीके से अचेत अवस्था में, ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्लेग प्लेग जैसा था। ये आपका बताएं तो ये हैजा है, कालरा की बीमारी का लक्षण का है। तो आपको फिगर दिखा दे किस तरीके से कालरा हमारी किडनी में अटैक करता है, ये चीज़ रहा। दिखने में कितना स्पॉट पॉइंट जैसा है, लेकिन अंदर ये बहुत घातक होते हैं। तो ये हैजे की बीमारी का है, प्लेग का यहीं तक था। तो आपको प्लेग जो भी था मैं दिखा दिया, किस तरीके से रोग ये फैलता है। तो ये फिगर देखने से हमें उसके घातकनेस का पता चलता है, कितना वो घातक है, कितना वो जो है डेंजरस है। आइए मैं आपको हैजा बताता हूँ क्या है, फिर उसके बाद फिगर दिखाता हूँ। यहाँ से गाइज आप देख रहे हैं हैजा, कालरा जिसे हम कहते हैं, गर्मियों में बहुत होता है। यह बिम्ब्रियो कोलरा, यह बिम्ब्रियो कोलरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। ये सारा हम लोग को हो चुका है कहीं ना कहीं, अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे इस तरीके के रोगी आसपास समाज में बहुत देखने को मिलते हैं जो कालरा हो जाता है। पहले इसका इलाज नहीं था क्योंकि पानी की कमी होती थी, डिहाइड्रेशन होता था बॉडी में और इंसान की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब डॉक्टरों ने इसका निजात पा लिया, ग्लूकोज लगाते हैं तुरंत, उस पर जो है दवा दवा का उपचार करते हैं, तो धीरे धीरे इसको हम कंट्रोल करते हैं। हैजे का टीका लगवाना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। इसके उपचार की बात करें तो पीने के पानी को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजन में शोधित करना चाहिए, करने मतलब स्वच्छ शुद्ध जल पीना चाहिए, जिससे कि हमें कालरा नहीं हुआ, क्योंकि ये जीवाणु है, ये मक्खियों या फिर गंदे जल के कारण हो सकता है। अब आपको टाइफाइड क्या था मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हैजा क्या था। हैजा का फिगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये सीधे सीधे आपको जाके आपके बॉडी में, जी हाँ दोस्तों, आपके बॉडी में यहाँ कहें देख रहे हैं इंटेस्टाइन में जाके अटैक किया है। ये छोटे से पॉइंट को फिगर में जूम करके दिखाया, यहाँ पे छोटा सा स्पॉट है, यहाँ किस तरीके का कालरे का वायरस है देख पा रहे होंगे। और आपको आपको दिखाते हैं, ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितने खतरनाक होते हैं। दिखने में छोटे होते हैं लेकिन वाकई ये हमारी बॉडी को हिला के रख देते हैं। ये रहा कालरे का पेशेंट, किस तरीके से विचित्र अवस्था में पड़ा हुआ है देख रहे हैं। अगर हुआ तो ये लास्ट स्टेज होता है, ये बच्चों बूढ़ों किसी को नहीं देखता, ये क्योंकि जीवाणु है, बैक्टीरिया है, किसी को भी हो सकता है। और ये पहले इसका इलाज नहीं था, अब शायद इलाज आ गया है, शायद क्या कंफर्म है, अब इलाज आ गया है तो इससे बचा जा सकता है। फिर भी अगर आप देरी करते हैं इलाज करवाने में तो आप मौत के कगार पे, या कहें आपको मौत से कोई नहीं बचा सकता। अब बात करते हैं दोस्तों डिप्थीरिया क्या होता है, डिप्थीरिया क्या होता है, आइए उसकी बात करते हैं। यह रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया
नामक जीवाणु से होता है। ये सारी चीज़ें अभी किससे हो रही हैं? बैक्टीरिया से। जी हाँ दोस्तों, ये हो रहा है बैक्टीरिया से। तो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल डिजीज अभी हम पढ़ रहे हैं केवल इसमें, ना कि वायरस डिजीज। ये पूछा जाएगा डिप्थीरिया किसका किस किससे होता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से, वायरस से, या कवक, प्रोटोजोआ। तो आप सीधे सीधे पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे, तो कह देंगे ये होता है भैया जीवाणु। जी हाँ दोस्तों, जीवाणु के द्वारा। किसका? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में गले गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वासावरोध, जी हाँ दोस्तों, श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी थूक, खखार, जैसे जिसके हम बलगम कहते हैं, और वमन, वमन का मतलब उल्टी, आदि के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इसके जो जीवाणु होते हैं, और इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर कोई उल्टी कर रहा है, कोई जैसे कि वमन कर रहा है, कहने का मतलब, या कोई बलगम अपना जो है बाहर थूक रहा है, तो आप उसको रोको या उसको बताओ, समझाओ। क्योंकि हमारे यहाँ इतने लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कि वायरस क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होता है। उनको क्या, उनको अपने शरीर की सुरक्षा, बगल में, बगल में थूक देंगे, बगल वाला भले ही मरे, वो अपना देखते हैं। हमारे लोग ऐसे हैं, उनको कोई माध्यम ही नहीं, उनमें पता ही नहीं क्या होता है बैक्टीरिया, क्या वायरस। बहुत लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे लोग जो हैं बहुत, वो भी गलती कर जाते हैं। क्योंकि जो बॉय पढ़ा है वही अच्छे से कुछ हद तक नॉलेज होगा, लेकिन बाकी लोग, वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। तो इस तरीके से हर चीज़ में कहीं ना कहीं वायरस होते हैं। इसलिए आप साफ सफाई से रहिए, अपने को स्वच्छ रखिए, और आप जो है रोग मुक्त रहिए। इसमें देखिए, डीपीटी डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाना चाहिए एवं सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़े को भी संक्रमित कर देना चाहिए तथा रोगी को नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धो देना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम इसको मजाक समझते हैं। इसी मजाक में तो हमें कोरोना ने ले लिया। उससे भी मुश्किल है, क्योंकि उसमें इतना खतरनाक है, उससे बच पाना जो है हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जो कोरोना के भी बाप हैं, जैसा कि आपको मैं अभी बताऊंगा आगे चल के। कुछ ऐसे भी हैं जो कोरोना से भी खतरनाक, लेकिन वो संक्रमित नहीं है, सबसे बड़ी बात है। वो कोरोना से भी घातक है, उसकी कोई दवा ही नहीं बनी, एड्स की कोई दवा नहीं बनी, लेकिन वो क्या है, संक्रमण वाला नहीं। वो एक ही स्थान, एक ही इंसान को हुआ तो वही उसी को मारेगा। आइए और बात करते हैं इसके जो है डिप्थीरिया के रोग को। मैं देखो आपको दिखाता हूँ क्या है इसका फिगर डायग्राम, आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मैं जैसा कि बताया, माउथ में उनके क्या हो जाता है, गले में थैली जैसी सूजन हो जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उसके गले में थैली जैसी सूजन हो गई, तो वहाँ पर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। डॉक्टर लोग फिर उसका जो है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डिप्थीरिया पेरिस डेडली, किस तरीके से जो है डिप्थीरिया जो है बुरी तरीके से उसको जो है घायल किया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके माउथ में, टंग्स में किस तरीके का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, कितना खतरनाक होते हैं वायरस, वाकई बहुत खतरनाक होते हैं। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे वायरस हैं डिप्थीरिया के, जो कि यहाँ पर जाके हमारे गले को अवरुद्ध कर देते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से रोग बहुत हैं जो बहुत घातक हैं। आइए मैं आपको सीधे और टॉपिक पे लेकर चल। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, टिटनेस, एक समय ये भी बहुत चरम पे था, बहुत खतरनाक रोग था, बहुत परेशानी होती थी लोगों, जिसको टिटनेस होता था वो मर जाते थे। सामान्यतः, आइए पूरी बात बताते हैं, सामान्यतः इसे लॉकजॉ, जी हाँ दोस्तों, लॉकजॉ या धनुष्टाकार, धनुष्टाकार कहा जाता है। धनुष्टाकार क्यों कहा जाता है, अभी आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी क्यों इसको धनुष्टाकार कहा जाता है। यहाँ से देख रहे हैं, यह रोग वेरिस वैसिलस टिटनी, जी हाँ दोस्तों, ये उसका क्या है, जीवाणु का नाम है, से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, करता है। इस रोग में पेशियों में आकुंचन, जी हाँ दोस्तों, और प्रसरण नहीं हो पाता और शरीर में अकड़न होने लगती है। इसके उपचार के लिए आपको बता दें, पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए। बचाव के लिए टिटवैक या ATS, जी हाँ दोस्तों, ATS इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। तो पूछता है ATS इंजेक्शन किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है, आप कहेंगे टिटनेस, लॉकजॉ या धनुष्टाकार
बीमारी आ जाती है किसके वजह से? आप कहेंगे टिटनिस के वजह से। इस रोग के बैसिलस टिटनी, टिटनिस के जीवाणु का नाम क्या है? तो ये बहुत आसान है, क्योंकि टिटनिस से हम समझ जाते हैं टिटनिस के रोग जीवाणु का नाम है। तो कभी कभी ये रोग जीवाणु का नाम देता है, रोग पूछता है जो है बैसिलस टिटनी, किस किस रोग, किस रोग का वाहक है या किस रोग को बढ़ावा देता है, तो आप कहेंगे टिटनिस को। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। धनुष्टाकार क्या है, आपको इसका एक बार फिगर डायग्राम दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। गाइस, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे वायरस, यहाँ पे हुआ घाव, लोहे या किसी कील या किसी के माध्यम से बॉडी में पहुँच गए और बॉडी में धीरे धीरे वो पहुँच गए, पेशियों के विकास को रोक देते हैं और बॉडी में एक अकड़न सी आ जाती है और वो यूँ धनुष के आकार का जैसा हो जाता है। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे यही है धनुष्टाकार। तो ये बॉडी में जो अकड़न सी आई, ये देख रहे, इसी को धनुष्टाकार कहते हैं। ये पूरी तरीके से बॉडी यूँ हो जाती है, व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से बहुत घातक बीमारी से मरता है। कहने का मतलब, इससे देखा नहीं जाता, इस तरीके से अकड़न होती, जब ये पूरी तरीके से बॉडी में फैल जाता है, 100% इसके वायरस हमारे बॉडी में या जीवाणु जो है बैक्टीरिया फैल जाते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से क्या है ये बीमारी। एक समय इसका भी बहुत चरम पे था, लेकिन अब इसके इंजेक्शन बन गए हैं, टीके बन गए हैं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि आप देख रहे हो कहीं इसको झाड़ी में गया, कील लगा, ये था इसके छोटे छोटे वायरस, अब उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो गया। क्या है सिम्टम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सिम्टम ऑफ टिटनेस, यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे देखें, हाई टेम्परेचर, फीवर और 38 डिग्री, 100.4 फॉरेनहाइट और एबव, स्वीटिंग होता है, रैपिड हार्ट बीट तेज़ी से होता है, जिसको हम कहते हैं टैचिकार्डिया। जी हाँ दोस्तों, टैचिकार्डिया। उसके बाद आपको बता दें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है, इस तरीके से प्रॉब्लम होती है और व्यक्ति या कहें रोगी में बहुत ज़्यादा ज़्यादा अकड़न सी आ जाती है और उसकी लास्ट में मृत्यु हो जाती है। सबका परिणाम दोस्तों एक ही चीज़ है, सब रोग का परिणाम है केवल डेथ होना। डेथ का मतलब मृत्यु हो जाना, ये एक छोटा सा आंसर है इसका, सारे रोग का एक ही आंसर है, डेथ होना, मर जाना, यही उसका सबसे बड़ा सलूशन है। और ये इंसान नहीं रहेगा दुनिया में, बस यही सबसे बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब, जिसके परिवार के लोग जाएंगे उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, हमारे आपके लिए तो होगा, चलो कोई बात नहीं। आपको आइए आगे लेके चलते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे आप देख रहे हैं कोढ़, जिसको लिप्रोसी कहते हैं, या कुष्ठ। यह एक संचारणी रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी, लेप्री जी हाँ दोस्तों, नामक जीवाणु से फैलता है। यह पैतृक आनुवंशिक रोग नहीं है। इस रोग से ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, शरीर पर चकते प्रकट होने लगते हैं और तथा कोहनी व घुटने के पीछे, एड़ी और कलाई के अगल बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। जैसा कि आपको बता दें, ये अंतिम समय में लोगों को होता है, जब लोगों की उम्र लगभग 60 एबव हो जाती है तो उनको कोढ़ हो जाता है। हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि ये जो बहुत पाप किए हैं वही उनको होता है, ऐसा कुछ नहीं, एक तरीके का रोग होता है जिसको वो लोग समझ नहीं पाते। तो अंतिम समय क्या होता है कि वो ज्वाइंट की जगह पे वो जगह जगह क्या होते हैं, स्पॉट बनने लगते हैं, अब वो प्रॉब्लम कर जाता है या मरीज में या कहीं इंसानों में। उपचार क्या होता है इस रोग के रोकथाम के लिए, MDT, जी हाँ दोस्तों, MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 दवाएं शामिल है, डेप्सोन, क्लोफाइजीमिन और रिफैमिसान। जी हाँ दोस्तों, रिफैमिसान, ये 3 तरीके की दवाइयां हैं जो देने से कोढ़ जैसे रोग से निजात पाया जा सकता है। आगे बात करें निमोनिया, यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं और एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करते हैं। अब बात करें निमोनिया का, पूछेगा डिप्लोकोकस निमोनी वायरस किसका वाहक है, आप कहेंगे निमोनिया का। अब इसमें आपको बताए ही एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करते हैं और ठंड से, उसमें जो है ठंडी बहुत, या कहें रोग को रोगी या रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं, ठंडा जल नहीं देते, ठंडा पानी नहीं देते। आगे बात करें तो वूपिंग कफ, कहने का मतलब वूपिंग कफ क्या है, काली खांसी। यह रोग हीमोफिलस पर्टुसिस
नामक जीवाणु से होता है। सब जीवाणु रोग अभी पढ़ रहे हैं हम, इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है, यह मुख्यतः बच्चों को होता है। जी हाँ दोस्तों, इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है DPT। DPT पूछता है टीका कब लगता है या किस रोग में लगता है, आप कहेंगे काली खांसी में। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ पॉइंट और है जिसको मैं बताता हूँ, फिर ये वीडियो सबमिट करूँगा। पॉइंट नंबर 10 पे देखें तो सिफिलिस दे रखा है। सिफिलिस क्या होता है? यह रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडम है। इस रोग में संक्रामक, जी हाँ दोस्तों, संक्रामक रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से होता है। इस रोग में शिश्न व योनि में लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चकते तथा अंत में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस रोग से पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। एक टीका है जो सिफिलिस जैसे बीमारी के लिए, ये थोड़ा सा प्राइवेट बीमारी है, जो कहें जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, फिजिकल फिजिकल रिलेशन जब बनाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है इंसानों के प्राइवेट पार्ट पे। तो इस तरीके से इसके लिए भी जो सिर्फ पेनिसिलिन का जो है, कहें पेनिसिलिन का टीका लगवाएं या दवा लें, तो उससे जो है हमें निजात मिल सकता है। आगे बात करें गोनोरिया, इस रोग का कारक नाइसेरिया गोनोरिया, जी हाँ दोस्तों, है रोग का संक्रमण रोगी के साथ संभोग करने से फैलता है। ये भी कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये भी उसी से प्रॉब्लम है कि आप अगर फिजिकल रिलेशन किसी के साथ अगर कंफर्टेबली नहीं बनाते, अगर उसको सामने वाले को कोई रोग है तो आपको भी हो सकता है। इस रोग में मूत्र जनन पथ का म्यूकस का संक्रमण होता है, जोड़ों में दर्द होता है तथा स्त्रियां पाज हो जाती हैं। जो बाजपन आता है महिलाओं में इसी कारण होता है। रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना चाहिए, एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम होती है गोनोरिया क्या है आपको बता दें, ये थोड़ा सा बहुत रेयर में आती है बीमारियां, लेकिन जिसको होती है उसको कहते हैं कि ना बाज बना देती है। ये मैं अगर नेक्स्ट की बात करें तो अब यहाँ पॉइंट बी पे है वायरस जनित रोग, क्या वायरल डिजीज, अभी तक क्या बैक्टीरियल डिजीज, अब ये है वायरस डिजीज। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एड्स। एड्स एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। यह रोग के विषाणु का नाम, इसके वायरस का नाम क्या है? HIV, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। यह रोग यौन संबंधों के कारण होता है। रक्तदान में अनियमितता और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। सारी बात मैं वीडियो या फिर कहें कि फिगर डायग्राम से दिखाएंगे, लेकिन इसकी पूरी बात बताने के बाद वन बाय वन हम इसके फिगर को दिखाएंगे। जैसा कि उपचार में बात करें, सुरामिन, साइक्लोस्पोरिन, रिबाबा इरिन, अल्फा इंटरफेरान आदि दवाओं का प्रयोग इस उपचार के लिए किया जाता है। AZT, जी हाँ दोस्तों, AZT दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। HIV विषाणुओं को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया रोक कर विषाणुओं को बहुगुणित होने से रोकती है। तो बहुगुणित का मतलब उनकी संख्या बढ़ाने से, जैसे एक है एक में दो करने से ये चीज़ रोकती है, ताकि ये रोगी की थोड़ी लाइफ टाइम बढ़ा दें। जड़ से तो मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा लाइफ टाइम उसका बढ़ जाता है। आगे बात करें चेचक क्या है उसको बताते हैं। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी का सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर के जोड़ों में दर्द होता है और बाद में लाल लाल दाने निकल आते हैं, जो बाद में फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। उपचार क्या होता है? रोगी को तब तक अलग रखना चाहिए जब तक कि फोड़े के सुरंड साफ न हो जाए, वहाँ से, कहने का मतलब बॉडी से जो फफोले निकले हैं वो कम ना हो जाए। घर और आसपास के लोगों को चेचक का टीका ले लेना चाहिए, ताकि यह रोग उसी रोगी तक रहे और आगे न फैले। आइए अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा क्या है उसके बारे में। यह एक संक्रामक रोग है, जिसका संक्रामक इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है।
इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द, सर्दी, खांसी और तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप ले लेता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 इसके वायरस का नाम है। जी हाँ दोस्तों, H1 यहाँ से H1 और N1, तो इस तरीके का ये वायरस, इसके जो है वायरस का नाम है। रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। रोगी का पेट साफ रखना चाहिए और यहाँ पोटेशियम पर मैग्नेट के घोल से सुबह शाम गलारा करना चाहिए ये दोस्तों, ताकि जो भी वायरस हो उसके सब जो है नष्ट हो जाए। आगे बात करें दोस्तों तो है ये पोलिया। यह रोग निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। यहाँ पे फिल्टरेबल वायरस लिखा है, फिल्टरेबल वायरस के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह प्रायः बच्चों में होता है और शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से पोलियो भी एक समय बहुत हाई लेवल पे था अपने इंडिया में, लेकिन पोलियो का टीका आया, पोलियो की दवा आई, तो धीरे धीरे ये उसके भी उपचार किए गए। इस रोग के बचाव के लिए बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन दिया जाता है, शॉक टीके। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा, शॉक टीके किस रोग के लिए लगाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सीधे सीधे पोलियो के लिए। शॉक की खोज, शॉक ने ही खोजी थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम बनाया गया, शॉक टीके। इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सेविन 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्राफ्ट की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया। कहने का मतलब इंजेक्शन से हटा के उन्होंने पोलियो ड्राफ बना दिया, जिससे मुंह से लेने से रोगी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए अब बात करें डेंगू। डेंगू क्या है इसके बारे में? डेंगू डिजीज़ क्या है? ब्रेक बोन फीवर इसको कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर, जोड़ों का दर्द। डेंगू इस तरीके से समझिए आप, बहुत खतरनाक है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो इसमें व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। यह रोग विषाणु के कारण होता है। इस रोग में इंडिस एजिप्टी, एडिस एल्वोपिक्टस और क्यूलेक्स फटिंगन, यहाँ पे लिखा है फटिंगनसंस नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आ जाता है और चेहरे पर, जी हाँ दोस्तों, चेहरा पर पित्तियों का मतलब लालिमापन निकल आती है। और क्या होता है? सिर, आंखें, पेशियां और जोड़ों में बहुत जोरों से दर्द होता है। यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी का तेज बुखार भी कहते हैं। हड्डी का तेज बुखार किस रोग को कहते हैं? तो आप कहेंगे डेंगू रोग को। तो इसमें भी दोस्तों अभी तक प्रॉपर अगर कहें तो कोई टीका दवा नहीं, लेकिन ये है कि इसमें अगर सही समय पे रहा, इसमें प्लेटलेट डाउन होता है, प्लेटलेट अचानक डाउन होता है, जिससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और बुखार और जो है रोगी या कहें पेशेंट की मौत हो जाती है। तो डॉक्टर लोग प्लेटलेट की दवा चलाते हैं जिससे, और बुखार की भी दवा कुछ चलाते हैं जिससे रोगी को बचाया जा सके। अगर बात करें हेपेटाइटिस या पीलिया, जिसको हम जैंडिस कहते हैं, ये भी बहुत खतरनाक रोग है। आपको बता दें जैंडिस, इसको इंग्लिश में जैंडिस कहते हैं, यह एक यकृत रोग है। ये होता कहाँ है? पीलिया होता कहाँ है यकृत में? तो पूछता है पीलिया कहाँ होता है या यकृत का होने वाला रोग, तो पीलिया आप बताएंगे, जिसमें रक्त में पित्तवर्णक पाइल पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्तवर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं। फलतः पित्तवर्णक यकृत सिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। पेशाब भी पीला होने हो जाता है, खून में पित्त बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है खून में पित्त का बढ़ना, और ये पूरी तरीके से इंसान को अंतिम कगार पर लेके जाता है। इसीलिए कहते हैं लोग, अगर जैंडिस हुआ तो आपको, अगर समय रहते ही आपको अगर पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो जैंडिस अगर 90-80% बॉडी में फैल गया तो डॉक्टर क्या कोई भगवान भी नहीं बचा सकते आपको। उपचार की बात करें, इस रोग से बचने के लिए ठंडक से बचना चाहिए, हल्का परंतु पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए, रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 प्रति
100 मिलीमीटर नहीं हो जाती। जी हाँ दोस्तों, बिलीरुबिन का मतलब जो पित्त शैली है उसमें इसकी मात्रा इतनी पॉइंट पर मिलीग्राम या कहें 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाती, तब तक उसको रेस्ट करना चाहिए या उपचार करवाना चाहिए। आगे बात करें हाइड्रोफोबिया या रेबीज क्या होता है, जो कि ये कुत्तों बिल्लियों और कहें बंदरों से फैलता है। यह एक संघाती रोग है जिसका संक्रामक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है, क्योंकि यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। इनके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा न की जाने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह रोग दो रूपों में देखने को मिलता है, एक में उत्तेजना होती है, जल से भय उत्पन्न होता है और रोगी की आवाज़ कुत्ते के भूखने जैसे निकलती है। दूसरे रोगी में पक्षाघात, तेज ज्वर और भयंकर सिर दर्द होता है तथा वमन होता है, वमन करने की प्रवृत्ति और बेचैनी महसूस होती है जैसे जैसे वायरस बढ़ता है, और एक तो पूरी तरीके से कुत्ते जैसे पूरा बिहेव करता है। उपचार की बात करें अगर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेबीज रोधी टीका लगवाना चाहिए। इस टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। घाव को शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धो देना चाहिए, जिससे अगर रेबीज वायरस है तो मर जाएगा। आगे बात करें दोस्तों मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस, यह रोग मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार होता है, जिसके मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। ब्रेन फीवर, मस्तिष्क ज्वर वही होता है मेनिंजाइटिस, तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरेब्रो स्पाइनल द्रव में संक्रमण होता है। इस रोग से बचने के लिए मेनिंजाइटिस रोधी टीका लगवाना चाहिए। अगर टीका सही समय पर नहीं लगा तो यहाँ पे रोगी की मौत हो जाएगी। अगर मौत नहीं होती तो कोई ना कोई इसके अंग डैमेज हो जाएंगे, जैसे वो तो आज दिमाग से पागल हो जाएगा या उसके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगर बात करें ट्रैकोमा, ये आँख का प्रॉब्लम होता है। ट्रैकोमा दोस्तों, अब बता दें आपको, यह आँख से जुड़ी प्रॉब्लम है। ट्रैकोमा आपको बता दें, यह आँख की कार्निया तथा सांसर्गिक रोग है। इससे कार्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त या निद्राग्रस्त लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेंसिलिन, क्लोरोमाइसिटिसिन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप इस चीज़ जानिए, ट्रैकोमा रोग किससे रिलेटेड है। ये आँख की कार्निया से सीधे पूछता है एग्जाम में, ट्रैकोमा कहाँ होता है या किससे रिलेटेड है। लंग से, फेफड़े से, लीवर से, यकृत से, ब्रेन से, या फिर आँख से, तो आप बताएंगे आँख से ट्रैकोमा। अब बात करें छोटी माता चिकन पॉक्स क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह रोग भी चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। इससे हल्का बुखार तथा शरीर पर पित्तिकाएं निकल आती हैं, जो बाद में जलस्पटों में बदल जाती हैं। ये पूरी तरीके से आपको बता दें, यहाँ पे चिकन पॉक्स है, वो पॉक्स था, तो जैसे कि वहाँ पे अभी मैं आपको बताया ये चीज़, आप देखिए पोलियो नहीं, डेंगू भी नहीं, ये आपको बताया चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों एक ही जैसे हैं दोस्तों। ये बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें फफूले के साथ आता है, और इसमें फफूले तेज बुखार भी रहता है प्लस फफूला भी आता है, तो यही इसमें कारण है। इस रोग से बचने के लिए चेचक के टीके लगवाना चाहिए, सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत लोगों को होता है, ठंडियों में अधिकतर ये रोग होता है, जिसको हम खसरा कहते हैं, मिसल्स। इस रोग का कारक मार्वेली विषाणु, जी हाँ दोस्तों है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह वायुवाहित रोग है। इस रोग के विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक, आँख में पानी बहता है, शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन, उबला पानी पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये खसरा अधिकतर होता है और ये छुआछूत है एक तरीके से, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे वायुवाहित रोग है।
ये सब पूरे परिवार में हो जाता है अगर एक व्यक्ति को होता है, तो इसको बचने के लिए रोगी से दूर रहना चाहिए, उसको उबला पानी देना चाहिए, हो सके तो स्वयं पीना चाहिए ताकि आप भी बचे रहिए। उसके बाद लास्ट है आपका गलसुआ। इस रोग का कारक पम्पस वाइस है। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है। इस रोग के विषाणु प्रसार रोगी की लार से होता है। प्रारंभ में झुरझुरी, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होती है। एक दो दिन बुखार सहन करने या सहने के बाद कर्ण के नीचे स्थित पैरोटिक ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसके उपचार के लिए नमक के पानी की सिकाई तथा टेरामाइसिन इंजेक्शन लगवाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये टेरामाइसिन गलसुहा गलसुहा या पम्स रोग के लिए जो है लगाया जाता है, तो इससे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आइए मैं इसके कुछ फिगर पार्ट से दिखाता हूँ ये सारे रोग के बातें। ये फिगर गाइस आप देख पा रहे होंगे एड्स का है। ये पूरी तरीके से एड्स बॉडी में अनियमितता जब बढ़ा देता है, किस तरीके से बॉडी में देख रहे होंगे आप, फूल गए हैं, बॉडी टिश्यूज बढ़ जाते हैं, तो एड्स एक तरीके से बहुत खतरनाक है। ये उसके हैं वायरस, आप देख पा रहे होंगे। और आगे आपको बता दें, ये चीज़ आप देखते चलिए, ये सब एचआईवी के ही वायरस हैं गाइस। ये जितने भी वायरस आपको दिख रहे हैं सब एचआईवी। ये देखिए आप, कोरोना और एचआईवी के दोनों कैसे सिमिलर हैं। दिस इज़ कोरोना वायरस और दिस इज़ एचआईवी। तो कहने का मतलब, इसीलिए कोरोना में कुछ डॉक्टर एचआईवी की भी दवा दे रहे हैं। एचआईवी कैसे बच्चों में आता है देखिए आप, यहाँ से छोटा सा स्पॉट है इस माँ के गर्भ में से बच्चे के अंदर आ गए, तो ये कहीं ना कहीं एक को हुआ तो उसके बच्चे में भी। देखिए यहाँ पे लिखा है सीधे ट्रांसप्लेसमेंट ट्रांसमिशन। ट्रांसप्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वायरस बच्चे के अंदर आ गया। अब बच्चे के अंदर अगर आ गया तो बच्चे को क्या, आप सोचिए बच्चे के लिए क्या प्रॉब्लम नहीं हो। बच्चे को तो अभी पता ही नहीं क्या होता है हर चीज़, लेकिन वो ऐसे रोग से ग्रसित हो गया जो उसे विरासत में मिल रहा है। व्हाट इज एचआईवी? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज अ वायरस दैट अटैक सेल्स दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्टेड इन्फेक्शन। कहने का मतलब, जब बॉडी फाइट इन्फेक्ट होती है तो उस सेल पे ये सीधे सीधे अटैक करते हैं। देयर इज नो क्योर बट इट इज ट्रीटेबल विथ मेडिसिन। ये क्योर तो नहीं है, उसकी कोई फिक्स तो दवा नहीं है, बट ये ट्रीटेबल है, इसका लिमिटेड इलाज है। जो कहा मैं आपको पहले बताया कि आपको रोगी की थोड़ी लाइफ टाइम बढ़ा दी जाती है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इसके वायरस। अब ये बता दें आपको, ये था स्मॉल पॉक्स जिसे हम बता रहे थे, फफूले पड़ जाते हैं, जिसको चेचक हमने कहा था। देख रहे हैं कितना घातक है बॉडी पे। और आप फिगर दिखाते हैं, ये देखिए आप किस तरीके से, ये देख रहे हैं आपको, तो ये स्मॉल पॉक्स यहाँ पे लिखा है, वोरीला वायरस। ये देखिए आप कितनी ज़्यादा जो है, देख रहे हैं पूरे बॉडी पे बच्चों को हुआ तो पूरी बॉडी को ग्रसित लाइफ टाइम के लिए। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चों में बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, बड़ों में भी हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम करता है। ये देखते रहिए। डेंगू की अगर बात करें तो आपको अभी मैं बताया था डेंगू के बारे में भी, ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से डेंगू के जो है मच्छर एक दूसरे से फैलते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हो डेंगू फीवर, मैं सब बताया था आपको ऊपर डिटेल में, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बॉडी के एक स्पॉट पे डेंगू काटा, फिर किस तरीके से ये वायरस, ग्रीन वाले वायरस बॉडी के अंदर जा रहे हैं और ये हमारे बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं। ये इसके माउथ से देख रहे हैं, ये जो इसका जो कहते हैं जिससे ये लोग ब्लड खींचते हैं उससे, देखिए अपने को कैसे प्रोटोजोआ यहाँ पे छोड़ रहा है, वायरस कैसे छोड़ रहे हैं बॉडी के अंदर। तो ये देखते हुए आप चलिए डेंगू फीवर आप देख पा रहे हैं। एट अननोन सिम्टम्स इन डेंगू फीवर, ये देखिए आप मच्छर काटा किस तरीके से प्रॉब्लम। डेंगू एक तरीके का मच्छर से फैलने वाला रोग है। यहाँ पे आपको बता दें अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंजा फ्लू। अभी इन्फ्लुएंजा को मैं बताया, जिसमें H1N1 में आपको बताया था ये इसका क्या होता है, वायरस का नाम होता है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं किस तरीके से किसका वायरस है, जी H1N1 का वायरस है। अब देखते चलिए कितने खतरनाक है ये, जितनी इसके अंदर की इनर साइड की संरचना है इस वायरस के, इन्फ्लुएंजा के H1N1 देखते चलिए। अब आपको अगर बताएं, ये आपका खसरा है,
जो मैं आपको बताया था, बॉडी पे छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं, दाने निकल जाते हैं। देखते चलिए किस तरीके से प्रॉब्लम किया है। यहाँ पे लिखा हुआ मिसेल्स, कहने का मतलब खसरा, देख रहे हैं, ये जलन करता है, बुखार होता है, अकड़न सी रहती है, आपको बहुत प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे आपको कुछ खसरा के बारे में और बातें हमें बता दें। खसरा लक्षण, उपचार और कारण क्या है, खसरा क्या है आपको बता दें। मयू बेलेस भी रूबेला के रूप में जाना जाता है, और इस प्रकार के वायरल संक्रमण जो श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, संक्रामक स्थिति यह बीमारी फैलाती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी संक्रमित लार या स्लेम्स के संपर्क में आता है, यह इस अर्थ में भी वायुमंडल है कि एक संक्रमित व्यक्ति हवा में वायरस को छींके या खांसी छोड़ सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे अगर आपको बताएं कारण और जोखिम, खसरा विषाणु कई घंटों तक सतह पर रहने में सक्षम, जी हाँ दोस्तों, रहता है, जिससे संक्रमित कण हवा में रहते हैं और आसपास के व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। आगे और बात करें तो जैसे कि उसके सारे चीज़ को नहीं, चम्मच, तौलिया इत्यादि, ब्रश, मंजन, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पीड़ित से दूर हो जाना चाहिए। इससे निदान की बात करें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अनुभवी डॉक्टर जो इसको जानते हैं, खसरे के जो हैं इन्फेक्टेड चीज़ें देखते हैं, उनसे पूछना चाहिए। लक्षण की बात करें तो कान दर्द, सूजन, त्वचा, लाल चकते, खांसी, सूजी, छींक या सूजी हुई आंखें, खसरा लक्षण, उपचार। तो इस तरीके से हमने और डिटेल में आपको यहाँ पे इसको दिखा दिया, आप इसको जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बात किया आपसे पूरी तरीके से क्या है डिजीज़, मैं पूरी तरीके से आपको दिखाया और बताया। उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी सर जी को, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पार्ट बी में दोस्तों मैं लेके आऊँगा पूरी तरीके से इसके जो है बारे में, या अभी जो कवक और जो है प्रोटोजोआ के द्वारा जो बचे हुए रोग हैं, मैं पार्ट बी में लेके आऊँगा। तो दोस्तों चलते चलते बाय, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए डिजीज़ के साथ। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।